नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ प्राची भटनागर। आज हम आपको बिहार चुनाव से जुड़ी सारी जानकारी बताएंगे कि बिहार में कितनी सीट हैं, कितने वोटर हैं, किस किस में टक्कर जारी है, कब और कैसे होगा चुनाव, सभी जानकारी आज हम आपको बताएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बार का चुनाव सिर्फ 3 चरणों में होगा। 3 चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर से शुरू होगी। दूसरे चरण के मतदान 3 नवंबर को होंगे। तीसरे चरण मतदान 7 नवंबर को होंगे और 10 नवंबर को इसके रिजल्ट आ जाएंगे। अब अहम मुद्दा ये उठा है कि कोरोना काल में देश का पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में बिहार चुनाव से जुड़ी अहम जानकारी आज हम आपको बताएंगे। बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो रहा है, मतलब इससे पहले नई सरकार का गठन हो जाना है। बिहार में कुल कितने वोटर हैं, इस बात की हम जानकारी आपको देते हैं। बिहार में कुल वोटरों की संख्या 7 करोड़ 18 लाख के आसपास है। फरवरी 2020 के आंकड़ों के मुताबिक पहली बार मतदान करने वाले युवाओं की संख्या तकरीबन 78 लाख है। वहीं 18 से 40 साल की उम्र के 4 करोड़ से भी ज्यादा वोटर हैं, मतलब कुल वोटरों से आधे से ज्यादा। विधानसभा पहुंचेंगे। सरकार बनाने के लिए 122 सीटें जीतना जरूरी होगा। इन सीटों में 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, वहीं 2 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए आरक्षित हैं। बिहार में जाति फैक्टर काफी है। बिहार चुनाव में जाति समीकरण एक बड़ा फैक्टर है। बिहार में किसी भी एक जाति का अकेला प्रभाव नहीं है। यहाँ पे ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ के कुल वोट 17.2% हैं। यादव वोट हैं 14.4%, 14.7% मुस्लिम वोट, इसके अलावा 7.1% बनिया वोटर। वहीं दलित महादलित वोटर की बात करें तो यहाँ करीब 14.2% हैं। इसके अलावा कुर्मी 5%, कोयरी 6.4% और आदिवासी 1.5% हैं और अन्य जाति 19.6%। कुल मिलाकर बिहार में कोई एक जाति चुनाव के नतीजे इधर से उधर कर सकती है। पिछले चुनाव में क्या हुआ था ये हम आपको बताते हैं। 2015 विधानसभा चुनाव में बीजेपी एलजेपी उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और जीतन राम मांझी की हमने मिलकर चुनाव लड़ा था। 2015 के चुनाव में एलजेपी ने 42 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उसे सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं बीजेपी 157 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद सिर्फ 53 सीट ही जीत पाई थी। वहीं महागठबंधन में लालू यादव की आरजेडी, नीतीश कुमार की जेडीयू और कांग्रेस साथ थी। आरजेडी जदयू में 101 सीटों पर और कांग्रेस 41 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से आरजेडी को 80, जेडीयू को 71 और कांग्रेस को 27 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। लेकिन अब एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी हो चुकी है और कल आरएलएसपी ने भी एनडीए के साथ होने की घोषणा कर दी है। जीतन राम मांझी पहले ही नीतीश के साथ अपने आप को बता चुके हैं, पार्टी को एनडीए में शामिल कर लिया है। तो अब महागठबंधन में बचे 2 बड़े खिलाड़ी आरजेडी और कांग्रेस। अब अहम मुद्दा ये उठता है कि कोरोना काल में कैसे होगा चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बयान दिया कि कोरोना के दौर में ये पहला चुनाव होगा, इस लिहाज से हमारे लिए लोगों की सुरक्षा अहम मुद्दा है, लेकिन साथ ही चुनाव लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है। अब हम आपको एक एक करके सारे नियम बताएंगे कि चुनाव के दौरान किन नियमों का पालन किया जाना है। पहला नियम सुनते हैं। मतदान के वक्त 1 घंटा बढ़ाया जाएगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। नामांकन दाखिल करते वक्त उम्मीदवार के साथ केवल 2 व्यक्ति मौजूद होंगे। उम्मीदवार अपना नामांकन ऑनलाइन कर सकते हैं और वो चुनाव लड़ने के लिए लगने वाली जमानत राशि भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। रोड शो के दौरान कोई भी उम्मीदवार अधिकतम 5 वाहनों का इस्तेमाल कर पाएंगे। मतदान के दिन अगर किसी मतदाता में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए तो उन्हें
एक टोकन दिया जाएगा और उस टोकन के माध्यम से वे मतदान के अंतिम घंटे में अपना वोट डाल पाएंगे। ईवीएम मशीन में अपना मतदान करने से पहले मतदाताओं को दस्ताने दिए जाएंगे। एक बूथ पर सिर्फ 1,000 मतदाता वोट कर सकेंगे। पहले ये संख्या 1,500 थी। सभी मतदाताओं के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा, जिससे पहचान जाहिर करने के दौरान थोड़ी देर के लिए उन्हें हटाना होगा। अंतिम नियम आपको बता देते हैं कि अंतिम समय में वोट डाल पाएंगे कोरोना के मरीज। ये काफी अहम नियम है। तो हमने आपको इस वीडियो में सारी जानकारी बिहार चुनाव से जुड़ी दे दी है। अब देखना होगा कि बिहार की जनता किस नेता को किस आधार पर चुनती है। बाकी अन्य खबरों से जुड़ने के लिए कभी न्यूज के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।